मेरी बात करें मैंने सॉरी मैम क्या बोला आपने मुझे समझ नहीं आई वो एक्चुअली में नेट स्लो है ना मेरा तो

आईशा आप मुझे होस्ट बना दें। यस मैम शॉर्ट मैं भी करती हूँ।

जी हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेसिकली अः हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं टू डी एरेज जो हम लोगों ने पीछे भी की हुई है उसी कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करेंगे पहले और उसके बाद उसकी जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे पहले हम लोग थेटिकल थो थोड़ा देखेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट बेसिकली हम लोग क्लियर करेंगे उसमें आपको साथ साथ जो भी थ्यूरीज हैं किसी भी लैंग्वेज में वो आप हम मुझसे पूछ सकते हैं फिर हम लोग उसको क्लियर करेंगे और फिर उसके साथ जो है वो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे और प्रॉब्लम लीड कोर्ट की भी प्रॉब्लम्स देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अच्छा मुझे बताइए यार कि मेरी साउंड पहले से बेहतर है यस मैम लाउड एंड क्लियर जी मैम आपकी आवाज आ रही है मे, 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 मुझे मैं मुझे बताइए ये मैं दोबारा से मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही इस इस तरह मैम ने एक्चुअली माइक लगाया तो क्या साउंड की क्वालिटी yes, बेहतर थी या नहीं यस मैम बेहतर थी yes, जी ठीक है ठीक है आप लोग मुझसे चैट में पूछ सकते हैं बाकी मैं आप लोगों को ना कनेक्ट करके तो फिर ताकि आपको साउंड का मसला ना चले ठीक है जी अब आप लोगों ने पूछना हो तो मेरे हेडफोन से आ, मेरे स्पीकर से आवाज नहीं आती मैं उसकी सेटिंग कर लूंगी बाद में तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मुझे स्क्रीन शेयर कर लेने दें आप लोग चैट में पूछ सकते हैं अगर आपने कुछ पूछना हो आप लोग आज करने वाले हैं अरे ठीक है और टू डी अरे हम लोगों को ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि हमें यूज पे होगी ठीक है ये हमें अपना पर्पस तो बिल्कुल क्लियर है कि हम लोगों को डिफरेंट जैसे

अरे का नाम है वो ए है ठीक है और ये इसके अंदर बेसिकली एक टू डी बनी हुई है और हर टू डर इन साइड है ठीक है तो ये वन वन टू थ्री एक डी अरे है फोर फाइव सिक्स आ, फोर फाइव सिक्स नाइन एक वन डी अरे है एंड सेवन एक वन डी अरे है तो क्या ये भी उसी तरह कंटिन्यूस मेमोरी में, में पड़ा हुआ है मतलब सेम लोके बिल्कुल आ, जैसे कंटीन्यूअस मेमोरी का मतलब है कि हमारे पास अगर एक, एक एलिमेंट इंडेक्स 0 पे पड़ा है तो अगला 1 पे पड़ा है फिर इंडेक्स 2 पे पड़ा है तो क्या ये ये टू डायर ए में ये क्या 1 2 3 के बाद फौरन ही 4 ही पड़ा हुआ है और फिर उसके बाद फौरन ही 7 पड़ा हुआ है तो नहीं ये ये इसका मेमोरी का स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है यानी ये वन डायर ए की फॉर्म में तो एक जगह पे पड़ा होगा जो नेक्स्ट चंक होगा ना 4 5 6 9 ये मेमोरी में किसी भी लोकेशन में पढ़ा हो सकता है जरूरी नहीं है कि वो लोकेशन जो है वो फोर्थ जीरो वन टू अगर uh, हम पहली अरे को बोले तो नेक्स्ट थ्री से जरूरी नहीं है स्टार्ट हो कोइंसिडेंटली ये एक उससे बिल्कुल नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे मेमोरी में पढ़ा हो सकता है लेकिन इन एक्चुअल ये उस मेमोरी लोकेशन में पड़ा होना जरूरी नहीं है ठीक है तो इसके लिए इस बात पे आपने कंफ्यूज नहीं होना अब हम लोग बात करते हैं टू डर एज की जो कि हमारे पास बेसिकली क्या है मेट्रिस हैं जो हम लोगों ने मैथ्स में पढ़े थे फर्स्ट ईयर में ठीक है हमारे पास टू डियर ए में रोज और कॉलम्स होती हैं। अच्छा हम दोबारा से इस पे आते हैं मुझे एनोटेशन लेने दे अच्छा यहाँ पर ये जो ये जो पी सफ लाइन है ये आर वन है ठीक है ये रो वन है इसी तरह ये रो टू है और ये वाली जो है ये रो थ्री है ठीक है और इस फॉर्म में ठीक है इस फॉर्म में ये हमारे पास कॉलम बनेगा फिर ये टू फाइव एक कॉलम बनेगा और फिर ये थ्री सिक्स एक कॉलम बनेगा और नाइन एक कॉलम बनेगा तो हमारे पास इस तरह ये रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डेटा पड़ा होता है ठीक है तो आप इसे मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हैं हम लोगों ने एक भी, भी, भी बात देखी थी कि हमारे पास जो टू डेटा uh, है उसके लिए फॉर uh, एग्जांपल अगर हम लोगों को एक स्टूडेंट uh, एक सब्जेक्ट के मार्क स्टोर करवाने हैं पूरी क्लास के तो हमें डी चाहिए लेकिन अगर हम लोगों ने सभी स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट के लाइट से वो सिक्स सब्जेक्ट पढ़े हैं तो उन सब स्टूडेंट के सिक्स सब्जेक्ट के कोई मार्क्स स्टोर करवाने हैं तो फिर उस सिनेरियो में हमें क्या चाहिए होगा हम लोगों को चाहिए होगी वन डीयर सॉरी टू डी इसी तरह जब हम इमेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो इमेज प्रोसेसिंग में बेसिकली हम लोग इमेज का हमें पता है थ्री चैनल्स होते हैं रेड ग्रीन ब्लू इमेज भी हो तो भी हम लोगों को फिर हम लोग जो है स्टोर uh, करा सकते हैं लेकिन अगर हमारे पास इमेज जो है वो वन डी आर जी बी इमेज है जिसके थ्री चैनल्स हैं तो सिनेरियो में हम लोगों को क्या चाहिए बेसिकली थ्री डी चाहिए ताकि हम लोग उसको स्टोर कर सकें इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि वीडियो के लिए हम लोगों को रेड ग्रीन ब्लू के अलावा हम टाइम भी स्टोर कर रहे होते हैं रेड ग्रीन ब्लू पिक्सल्स की वैल्यू ठीक है तो उसके बाद जो है हम लोगों को फोर डायमेंशन में डेटा स्टोर करना होता है अब हम लोग इस पे आ जाते हैं कि आ, हम लोग जो है वो कैसे इस अरे को ये ये अरे क्रिएट की गई है और अब हम लोगों ने सिंपल इसमें जैसे एलियन का फंक्शन होता है पाइथन में हम पाइथन में भी टू डी अरे को अभी देख लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट हमें पता चल जाए कि जो है वो सिंटेक्स कैसे डिफरेंट है और कॉन्सेप्ट सेम है ठीक है तो uh, इसमें जो है हम लोगों को अरे जब हम इस ये एलिमेंट लिखेंगे और इसके आगे जैसे जीरो हम लोग अरे जीरो पास, इंडेक्स जीरो पास करते थे अच्छा मैं आप लोगों को ना यहाँ पे लिख के दिखाती हूं अच्छा टेक्स्ट लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास हम लोग पहले एक अरे क्रिएट करते थे लेट से वो अरे हमारे पास होती थी आँ... कोई भी एलिमेंट लिख लेते हैं थर्टी थ्री फोर्टीन फिफ्टीन फोर्टी सिक्स ठीक है कि ये मेरे पास अगर एक अरे होती थी और जब मैं इस अरे का जीरो वाला इंडेक्स कॉल करती थी तो इसका मतलब था क्या कॉल हो रहा था थर्टी थ्री राइट इसी तरह जब हम अरे का फर्स्ट इंडेक्स कॉल करते हैं फर्स्ट इंडेक्स कॉल करते हैं तो इसका मतलब है हम लोग क्या कॉल कर रहे हैं फोर्टीन अब टू डी एर के, के केस में जब मैं एक मेरे पास क्रिएट हुई टू डी एर अब यहाँ पे आप देखें ये यहाँ पे देखें आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है अब मेरे कर्सर पे देखें अब ये टू डी एर क्रिएट हुई है अब मैं अगर टू डी इस टू डी एर को ए जीरो कॉल करती हूँ यानी यही ये वाली लाइन लिखती हूँ अगर मैं ए जीरो लिखती हूँ ठीक है तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा ये पूरी की पूरी रो पूरी की पूरी ए रे प्रिंट होगी ठीक है यहाँ ये देखिए अगर मैं ए जीरो लिखती हूं ये ए जीरो पर ये पूरी की पूरी वन टू थ्री कॉल होगी ठीक है इसी तरह ए ए वन पे पूरी की पूरी सेकंड वाला इसकी रो और ए टू पे इसकी थर्ड रो कॉल होगी ठीक है इस बारे में कंफ्यूज आपने नहीं होना और अगर मुझे कोई स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए जैसे मुझे टू चाहिए तो फिर मुझे टू किस रो में एग्जिस्ट करता है जीरो रो में फर्स्ट कॉलम में ठीक है कॉलम भी उसी तरह इसकी इंडेक्सिंग जैसे रो की इंडेक्स इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग 0, 1, 2 है कॉलम की इंडेक्सिंग भी बिल्कुल इसी तरह है पहले वाला कॉलम को जीरो बोलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वाले कॉलम को वन, उससे को उससे और उसके बाद तो हम लोगों को अगर पर्टिकुलर सिक्स वाला अगर ये एलिमेंट कॉल करना है तो हम लोगों को पता है कि ये जीरो वन वन फर्स्ट रो है एंड जीरो वन टू टू तो ये मेरे पास सेकेंड कॉलम है तो हम लोग क्या करेंगे अगर मैं लिखूं ए ए और इसके अंदर अगर मैं पास करूं जीरो सॉरी वन वन पास करें और साथ ही इसमें हम लोग पास कर दें टू uh, तो हमारे पास जो एलिमेंट कॉल होगा वो एलिमेंट कॉल होगा सिक्स राइट right? और अगर मुझे ये वाला इंडेक्स कॉल ये वाला ये कॉल करना है तो मैं लिखूंगी ए वन सॉरी ए टू जीरो तो मेरे पास सेवन कॉल हो जाएगा ठीक है आई होप कोई किसी को कोई क्यूरी नहीं है इससे रिलेटेड सबको क्लियर है तो आप काइंडली मुझे चैट में बता दें ओके जी क्लियर है ठीक है अब हम लोग आ जाते हैं अगर हम लोगों को कोई भी चीज प्रिंट करवानी है तो हम लोग देख रहे थे जावा में जब हम लोगों को कुछ भी प्रिंट करवाना होता था तो हम लोग क्या करते थे कोई रे प्रिंट करवानी होती थी तो हम लोग लगा रहे थे लूप ऐसे है, एक लूप लगाते थे और वो एंड तक ट्राइवर्स करता था और वो उसके एलिमेंट को प्रिंट करवाता था यहाँ पे कुछ इस तरह होगा कि हम एक लूप लगाएंगे ठीक है और एक लूप लगाएंगे इसकी रो के लिए दूसरा लूप लगाएंगे उसके कॉलम के लिए और उसके बाद हम लोग जो है कोई भी एलिमेंट प्रिंट करवाएंगे ठीक है इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे अभी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे जो अरे स्टॉप कहाँ आओगी जब हम ए डॉट लेंथ करेंगे ना तो ये इसकी नंबर ऑफ रोज बता देंगे एक बात आपने ये याद रखनी है जब हम ए डॉट लेंथ करते हैं या length में हम ये पास करते हैं अगर हम जावा पा, की पाइथन की बात करें तो एल के फंक्शन में अगर सिर्फ हम इस अरे अरे का का नेम पास करेंगे तो वो जो रिटर्न करेगा उसकी नंबर ऑफ रोज रिटर्न करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा उसकी हर अरे के हर अरे की जो है वो सॉरी हर रो की जो है वो हमें लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी नंबर ऑफ रोज के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा दोबारा से देखें नंबर ऑफ रोज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो इसकी जो भी अरे का नाम होगा डॉट लेंथ करेंगे तो वो आ जाएगा उसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है यानी उसकी लेंथ आ जाएगी स्पेसिफिकली अगर हमने देखना है कि पहली रो का क्या कॉलम क्या लेंथ है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले ए और ए और उसके बाद हम पास करेंगे उसमें उस रो उस रो का इंडेक्स जीरो वाली का फाइंड आउट करना है अगर हमने इस वाली का फाइंड करना है तो जीरो पास करेंगे इस वाली का करना है तो वन पास करेंगे जो कि आप यहाँ पे देखेंगे ए आई और उसके बाद जो है वो डॉट लेंथ हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो डॉट uh, लेंथ करेंगे तो हमें उस पर्टिकुलर रो का की लेंथ पता चल जाएगी यानी कि उस पर्टिकुलर रो में कितने कॉलम्स हैं वो हम लोगों को पता चल जाएंगे ठीक है और इस तरह हम लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अच्छा एक और चीज एक सेकेंड अभी तक किसी को कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकता है सबको क्लियर है आप लोग माइकन में उठ करके पूछ सकते बोल सकते हैं इसी इसी के साथ हम लोग अभी देख लेते हैं टू डी पाइथन में किस तरह होती है ठीक है ये मैंने अभी सर्च किया था तो मैं भी आपके साथ सीखती हूँ और देखते हैं कि इसमें टू डी का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या है अच्छा देखें मैं चाह रही हूं कि आप लोग ना वॉलंटियर बेस पे जिसको भी पाइथन आती है वो पाइथन का एक टू डी एक इसी तरह गूगल सर्च से ही ओपन करें और हम लोगों को एक्सप्लेन करें हम लोग भी साथ आपके जो हैं ये सीखते हैं वैसे तो मैं भी आप लोग बता सकती हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम सारे कलेक्टिवली इसको सीखें कोई एक पर्सन स्क्रीन शेयर करे और फिर वो आर्टिकल रीड करके हम जल्दी से देख लें कि टू डी पाइथन में किस तरह वर्क करती हैं Yes, चाहिए I'm... चाहिए। I'm... मैं स्टॉप शेयरिंग स्टॉप करी हूँ आप जो है वो स्क्रीन शेयर करें और सर्च करें और फिर हम लोग इसको देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं राइट मैम मैम मुझे को होस्ट बना दे ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं जी मैं कर रही हूं मैम स्क्रीन विजिबल है जी आपकी स्क्रीन विजिबल है आप ए, इसकी बजाय आप अपनी गूगल सर्च में जाइए प्लीज यस yes, मैम वहां पे एक ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल पॉइंट का भी आ रहा था yes, वो ओपन कर ले। नहीं आप आप ये भी आपने ठीक है टू डी ठीक है पायथन टू डी बस स्पेसिफिक आप सर्च अगर नहीं करना है पे जाती है ना आपको वहाँ भी मिल जाएगा ये आसानी से नम पाए लाइब्रेरी में टू डी एरिया ठीक है पाइथन में बिल्ट इन जो है वो अरे नहीं होती लिस्ट होती है राइट पाइथन के डेवलपर्स मुझे बताते जाइएगा तो हम लोग जो हैं अगर अरे को यूज करना है तो हम लोग यूज करते हैं अच्छा मैं आप लोग के सा, आपके साथ लिंक शेयर करी हूँ अभी ये वाला लिंक ओपन कर ले yes, हम लोग जो है यहाँ पे कौन कौन पाइथन का डेवलपर है में इसमें हम नॉट कंप्लीट डेवलपर लेकिन हम लोगों ने इसे अक्सर ने बेसिक सीखी हुई है ठीक है मतलब आप लोगों को कुछ आइडिया है अच्छा तो ठीक है आप ये देखें मैम बताइएगा ठीक है आप नीचे करती जाए ताकि सब लोग जो है वो इसको देख जाए नीचे करें मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ और आप भी एक्सप्लेन करें ठीक है ये, ना, ये, ना, ये ना, देखें ना, ये ना, बिल्कुल ना, उसी तरह रे क्रिएट हुई भी है ये देखें टी के साथ जो रे क्रिएट की भी है बेसिकली ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है ठीक है टू जो अगर हम लोगों को अरे यूज करनी है तो उसके लिए हम लोगों को पाइथन की बात करनी है स्पेसिफिकली तो वो नंबर यूज करनी पड़ेगी राइट इसमें जो है वो लिस्ट होती है आप इसको लिस्ट भी आ, आ, आप इसे टू ये भी कंसिडर कर सकते हैं ठीक है वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है अभी आप नीचे एक्सेस करनी हो कोई वैल्यू तो कैसे करेंगे अभी हम लोगों ने एक्सेस करने के लिए वैल्यूज देखा था हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टी जीरो अगर लिख रहे हैं ठीक है ये एडिट एंड रन भी आप कर सकती हैं टी जीरो लिखेंगे हम्म तो ये लि... मैम अगर नंबर यूज करते हुए बनाएंगे ना हम तो तब एग्जैक्टली हमें सिर्फ वेरिएबल का नेम देना पड़ेगा वो ऑटोमेटिकली पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा ये असल में इसमें नंबर यूज नहीं की हुई ना ये जो एग्जांपल अभी आपके सामने बिल्कुल इसकी ये जो है अरे लाइब्रेरी है इसको इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें जो पाइथन के डेवलपर्स हैं तो आप लोगों का ना ये टास्क है कि आप लोगों ने कल ये प्रेजेंट करना है कि ये जो फ्राम अरे इम्पोर्ट ये बेसिकली क्या है ये क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है हम लोगों को ये सारी चीजें आप कल कौन बताएगा अच्छा कल मैं वॉलेंटियर बेस पे किसी को भी बोल दूंगी आप लोगों ने एक्सप्लेन वो करके आना है ठीक है इसको प्रिपेयर करके आना तो बिल्कुल उसी तरह एलिमेंट एक्स करें देखिए अगर हम लोगों ने टी में वन और टू लिखा है तो इसका मतलब है जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है तो 50, ये, ये वाली रो में अच्छा मेरा तो कर सर आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो 15, 6 और टेन वाली अरे में yes, से अरे पे जाम करे और यहाँ पे भी आप क्योंकि टू लिखा हुआ है तो आप मींस के थर्ड इंडेक्स 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 एंड थर्ड वैल्यू राइट तो फिर ये टेन प्रिंट हो जाएगा और अगर सिर्फ टी जीरो लिखा है जैसे पीछे भी हम लोगों ने जावा में भी देखा है तो क्या होगा पहली रो जो है वो पूरी की पूरी प्रिंट हो जाएगी टी वन करेंगे तो टी जीरो इलेवन ट्वेल्थ फाइव टू प्रिंट हो अगर टी वन करते तो फिर क्या हो? प्रिंट होता है फिफ्टीन सिक्स और टेन इसी तरह अगर टी वन लिखते तो टेन ए ट्वेल्व और फाइव तो बात जो पर्पज है आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने का कि कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा शायद कोई लैंग्वेज जो है वो उसकी फंक्शनैलिटी उसके फंक्शंस कुछ उसके डिफरेंट हो या उसको एक्सेस करने का मे बी कोई मेथड डिफरेंट हो बट एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर का जो है वो कॉन्सेप्ट कंप्लीटली चेंज नहीं होगा राइट इसीलिए लीड कोड पे कहा जाता है आप चाहे जिस मर्जी लैंग्वेज में इसको सॉल्व कर दें ठीक है अभी नीचे चले. एक क्वेश्चन है जी जी ये uh, array array है तो इस वजह से ये टू डी रे मीन लेट सपोज अगर एरे विद इन एरे हो और फिर उसके अंदर एक और एरे हो तो वो थ्री डी एरे के लाएगा राइट right? जैसे ये देखें आ, ये जो टू डी एरे है अगर ये पैक्ड हो इन अनदर एरे तो फिर वो थ्री डी एरे बन जाएगी

नेक्स्ट नेक्स्ट देखें आप अच्छा ये करें आप नीचे अच्छा आई गेस वो ड्रॉप कर दिया उन्होंने तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ हम लोग इसको जल्दी से देख ले अच्छा ये देखें अब हम लोगों को इसी तरह अगर इसको अरे को कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को प्रिंट करवाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा हम लोगों को नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा और फिर हम ये इसको प्रिंट करवा सकते हैं बेसिकली जब हम प्रिंट करवा रहे होते हैं तो जो पहला लूप होता है वो रोज का लूप होता है जो सेकंड लूप होता है वो कॉलम्स का लूप होता है ठीक है अब, अब ये पाइथन डेवलपर्स के लिए मैं बता दू हम लोग पहले कर रहे थे जो हम लूप लगा रहे थे जापा में बेसिकली वो इंडेक्स की बेस पे लगा रहे थे जो हम लूप लगा रहे हैं यहाँ पे ये वाला ये हम वैल्यू की बेस पे लगा रहे हैं ठीक है फॉर आर इन टी मतलब के सॉरी टी, टी ये टू डी अरे है, है इसमें आर मतलब पहली रो लो ये जब आर कह रहे हैं तो फिर पहली रो आ गई और फिर उस आर में सी फॉर सी इन आर मतलब उस रो में जितने कॉलम है वो वन बाय वन वैल्यू रिटर्न करते जाओ और फिर उसके बाद हम प्रिंट कराने तो ये जो लूप है ये लिखने का ये फंक्शनैलिटी हमें पाइथन प्रोवाइड कर रहा है जबकि यही लूप जब हम लोग वहां लिख रहे थे एक सेकेंड अच्छा यही लोग जब हम लोग जावा में लिख रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे हम लोग इसको इस तरह लिख रहे थे फॉर int i इज इक्वल टू जीरो i लेस देन अरे t है ना t डॉट लेंथ और i plus प्लस ठीक है तो ये बेसिकली मुझे क्या कर रहा था क्या रिटर्न कर रहा था रो का इंडेक्स रिटर्न कर रहा था जबकि यही चीज यानी ये मुझे ये चलने पे जो वैल्यू आ रही थी आई में वो क्या आ रही थी आई में जीरो जीरो इस इस एक मिनट मुझे इसको थोड़ा सा मूव करने दें यहाँ पे आए जीरो वन टू थ्री तो इसके बाद इसमें जो वैल्यूज आ रही थी वो ये आ रही थी जीरो वन टू और थ्री यही चीज अगर मैंने ये पाइथन में ये जो ये लिखी हुई है अगर मैं इसे लिखू फॉर आई इन टी तो अभी आई में क्या आएगा इंडेक्स नहीं आएगी बल्कि वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास क्या होगी पूरी की पूरी रो यानी इसमें जो है वो पहली दफा इसमें आई में आएगा ये इलेवन टाइव टू दूसरी दफा जो है वो इसमें आएगा अच्छा ये साथ हम प्रिंट करके भी देख सकते हैं ठीक है तो इस तरह जो है वो हमारे पास जैसे ये कॉलम है तो फिर जब हम रो से स्पेसिफिक निकालेंगे कॉलम तो वन बाय वन उस पहली रो में से वन बाय वन जो है वो सी में वन बाय वन एक एक वैल्यू दे रहा है और वो वैल्यू हम प्रिंट करवाते जा रहे हैं ठीक है आई होप कि सबको क्लियर होगा यस yes, मैम अच्छा हम हम लोग आ जाते हैं जी अच्छा ये उसे के साथ डील किया हुआ अब हम आते हैं अपने मीन वायल मीनवाइल मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते ये देखिए अच्छा अगर मेरा सिस्टम बंद हो जाए तो मैं दोबारा से रिज्वाइन कर लूंगी आप लोग वेट कीजिएगा अच्छा ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक मार्क्स की ये करी क्रिएट की है ठीक है और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है हम लोगों को हमें पता है कि हम लोग इस वेरिएबल का नाम डॉट लेंथ लिखेंगे तो रोज की लेंथ आ जाएगी कितनी नंबर ऑफ हैं उस अरे में और हम लोग जो है वो डॉट जीरो डॉट लेंथ लिखेंगे ठीक है मार्क्स के अंदर उसका इंडेक्स पास करके उसकी लेंथ लिखेंगे तो कॉलम्स आ जाएंगे अच्छा यहाँ पे मैंने जीरो लिखा हुआ अगर मुझे आ, इसके कॉलम वेरी कर रहे हैं जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ए, जावा वाली आई एग्जाम्पल में देखा था राइट जावा वाली ये वाली एग्जाम्पल में देखा था यस, ये वाली एग्जाम्पल में देखा था कि यहाँ पे लेंथ हर एक डिफरेंट है ऐसे ही है ना तो फिर हम ये जीरो इंडेक्स पास नहीं करेंगे जीरो डॉट लेंथ ये पास नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे रो पास करते जाएंगे तो हर एक इंडिविजुअल लेंथ आती जाएगी जबी हम उस रो का इंडेक्स इन रो लिखेंगे उसका इंडेक्स जा रहा है तो वो उसके अलग अलग वैल्यूज देता रहेगा तो जावा में इनपुट लेने का तरीका ये होता है कि एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है और फिर वहां से उसके थ्रू हम लोग जो है वो लेते हैं इनपुट और इनपुट लेने के लिए अगर कोई इंटीजर टाइप की इनपुट है तो हम लोग लिखते हैं एस सी डॉट इंट किसी को इस चीज में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना आई गेस किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है मैम मैं एक बात कहूंगी प्लीज मैम वो हम पाइथन का भी कर रहे हैं साथ में ये जावा का भी कर रहे हैं तो दोनों ना ऑल मतलब मिक्स से हो रहे हैं क्योंकि हमें तो नहीं इन चीजों का आइडिया ना तो ऑलमोस्ट जितने न्यू स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए तो ये कोई मसला ही ना हो रहा हो कि मुझे तो ये फिर हो रहा है कि मैं पाइथन और जावा को सामल्टेनियस लेके चलना मेरे लिए लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड तो जो आ, आप आप पाइथन डेवलपर है ना मैम डेवलपर नहीं अभी तो लर्नर हूँ अच्छा पाइथन लर्नर है ना यस yes. तो आप पाइथन ही सीखें ये मैं आपको जो बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ कि ये ये सेम चीजें हैं पाइथन की भी और जावा की भी ओके okay, मैम आप आप कंफ्यूज किस पॉइंट पे हो रही हैं मैम वो टू डी एरेज बना रहे थे ना हम टू डी या थ्री डी का कॉन्सेप्ट चल रहा था तो वो पूरा पाइथन का क्लियर हो गया है कि टू डी एरे किस तरह से बनते हैं थ्री डी एरे थ्री डी डी एरे किस तरह से ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अब जब इधर कोड पे आए ना

अभी आपने सेकंड में पाइथन का वाला ट्यूटोरियल से बताया तो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम यानी कि अपना जिस तरह आप समझा रहे हैं हम अपने कॉन्सेप्ट को मींस के अच्छे से समझें एंड सेशन के बाद हम अगर जब प्रैक्टिस करें तो मींस के पाइथन में इसके रिलेटेड कोई और ब्लॉग से पढ़ के और अच्छे से प्रैक्टिस की जाए तो मैम मैं भी यहाँ बैठ करना चाहूँगा ये सिंपली आप जो है ना ऊपर पब्लिक को स्टैटिक वाइड तक तो आप समझ लें कि ये वैसे भी कोड जो है जनरेट मिल जाता है बाकी सारा जो सिस्टम डाटा आउटप्रिंट का इनपुट आउटपुट का डिफरेंस है बाकी मेरे हाल से कोई कुछ डिफरेंस और पाइथन का ये जो कोड हो रहा है जी मैम अच्छा अच्छा अब मैं आपको ऐड मैं बताती हूँ अब क्योंकि आपका बिल्कुल फर्स्ट टाइम इंट्रेक्शन है जावा के साथ तो ये जो आपका आ, नर्वस होना ये बनता है ठीक yes, no. है तो लेकिन बात ये है कि हम लोग लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होंगे ये मेरा सिर्फ पॉइंट है लैंग्वेज right. स्पेसिफिक इसलिए नहीं देखें आप दो चार दिन मेरे साथ ये जावा करते रहें आपको खुद ही समझ आनी शुरू हो जाएगी कि हाँ इसमें वेरिएबल्स कैसे बनते हैं इसमें जो है वो लूप कैसे चलता है पाइथन का लूप किस तरह का होता है इनस्टेड के आप दोबारा से लैंग्वेज बाउंड हो जाएं डेटा स्ट्रक्चर करते हुए वाई नॉट के आप कॉन्सेप्ट आपको पता हो स्ट्रांगली ये ये वही लूप है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है ये देखें हम लोगों को पता था कि टू डी रे में को डील करने के लिए उसमें चाहे यूजर से इनपुट लें चाहे सिस्टम मॉनिटर पे आप शो करवाएं आप लोगों को दो लूप्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि वो टू डी रे है पहला लूप रोज तक चलेगा दूसरा लूप कॉलम्स तक चलेगा पहली रो लेगा और उसके सारे कॉलम प्रिंट करेगा अगली रो लेगा फिर उसके सारे कॉलम्स प्रिंट करेगा फिर थर्ड लो, रो तो यहाँ ये वाला लूप मैंने ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली यूजर से इनपुट लेने के लिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद से वो टू डे रे डिफाइन नहीं की बल्कि मैं यूजर को कह रही हूँ तो वी विल कंसिडर के इन फ्यूचर के हम लोग जावा छोड़ दें लेकिन मुझे क्योंकि ये करते हुए कनविएंट कनविएंट लगता है इसमें डी दे, पाइथन डीएसी करना तो मैं इसलिए इसमें करती हूँ जस्ट सी के कैसे जावा वर्क करती है करें हम पाइथन में ठीक है कॉन्सेप्ट भी पाइथन में रखें जस्ट सी के इसकी कैसे वर्क करते हैं मैम मैम अभी आपको थोड़ी हुआ थोड़ी क्लैरिटी हुई यस मैम है थैंक यू अच्छा उसके बाद देखें चाहे हमने अ, अभी अभी जो स्नैरियो हम लोग देख रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम खुद से नहीं कर रहे सॉरी पहले पहले ये जैसे ये देखें ये हो गया हुआ है ना हम ये खुद नहीं कर रहे वैसे हम ये कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर रहे हम क्या कर रहे हैं हम इनपुट ले रहे हैं किससे यूजर से यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोगों को एक स्कैन एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है मतलब तो ये ये एज इट इज लाइन लिखनी पड़ती है ये समझ लें जो पाइथन के डेवलपर हैं ये एक लाइन लिखनी पड़ती है और ये जो जो भी नाम यहाँ पे लिखा होता है ना उस नाम को और आगे डॉट नेक्स्ट इंड ये भी एज इट इज लिखना पड़ता है जब ये लिखते हैं तो इसके इससे पहले जो भी वेरिएबल में होता है वो यूजर जो जो वर्ड एंटर करता रहता है वो इस वेरिएबल में आकर स्टोर होता रहता है सिंपल इसी तरह अगर हम लोगों को कुछ प्रिंट करवाना है मतलब वो मैट्रिक्स प्रिंट करवाना है तो दोबारा से लूप लगाना पड़ेगा टू डी में, में बहुत क्लियर हो गया आप लोगों को दो लूप लगाएंगे पहला लूप रो तक चलेगा दूसरा रूप कॉलम तक चलेगा ठीक है और इसी तरह हम उसके एलिमेंट प्रिंट करवाते रहेंगे ये मार्क्स आई और जे इससे प्रिंट कराते रहेंगे आई क्या है कोई बताए रो का इंडेक्स जे क्या है कॉलम का इंडेक्स ठीक है ओके okay. अब हम लोग ना इसकी एक और एक और चीज देख लेते हैं और वो है सर्च। हम लोग किसी ने कुछ दिया और हम लोगों ने बताना है कि वो एग्जिस्ट करता है उसमें या नहीं करता उसके लिए भी हमें पता है कि अगर हमने में सर्च करना है तो हम लोगों को दो लूप लगाने हैं नॉर्मली हम लोग एक लूप लगाते थे वन डी के के केस में टू डी के के केस में हम लोग दो लूप लगाएंगे कोई बता सकता है मार्क्स स्टार्ट लेंथ क्या बेसिकली क्या होता है नंबर ऑफ रोज ठीक है और इसी तरह हम अगर इसे ये जीरो डॉट लेंथ कर दें या रो डॉट लेंथ कर दें तो ये हमें क्या रिटर्न करता है कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स ठीक है अब हम लोगों ने अगर कोई की फाइंड करनी है तो हम वन बाय वन ट्राई कर रहे हैं ठीक है अगर की मिलती है तो हम बता देते हैं की मिल गई अदरवाइज नहीं सोचें ये बिल्कुल सर्च करने की बिल्कुल ब्रूट फोर्स जो टेक्निक है जिसमें हम हर एलिमेंट पे जा रहे हैं ये देखें हर एलिमेंट पे जा रहे हैं ये वाला कोड देखें इफ वाला ये हर एलिमेंट पे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई चीज कोई की ढूंढने के लिए जो यूजर ने दी है अगर वो मैच कर गई तो हमारे पास क्या होगा वैल्यू मिल गई अदरवाइज हम कहेंगे वैल्यू नहीं मिली तो ये कौन सी टेक्निक हुई ब्रूट फोर्स मतलब बिल्कुल लीनियर वे से हम देख रहे हैं और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हुई बताइए टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हुई और। और। तो क्या होगी ओ एफ आई क्रॉस जे

तो बीगो एफेंस खेलनी ना फिर होगा इस तरह से बिगो भाई 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 बिग ऑफ एंड स्केयर हम इसे कहते हैं अगर एक लूप के अंदर एक और लूप चल रहा हो अब वो अंदर वाला लूप जितने टाइम्स भी चले आई थिंक मेरे ख्याल से आई बजे ज्यादा बेहतर होगा हेम क्रॉस एन क्रॉस बिग ऑफ एंड abc uh, of i cross g अगर दोनों के अंदर आई होता ना तो फिर हम कह सकते हैं b of n square देखिए asympt point valid जो मैम जो बाहर वाले लूप है देखा जाए तो वो भी n टाइम चल रहा है लाइक अगर i भी है तो वो n टाइम चल रहा है लेंथ टाइम एंड अंदर वाला लूप भी n टाइम चल रहा है तो हम इसी तरह बोलेंगे कि n स्क्वायर होगी कि ये n टाइम्स चलेगा जितनी अरे की लेंथ होगी राइट उतनी चलेगा जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी और इसी तरह जो है वो हम बोलते बोल रहे हैं कि जो इसका कॉलम है वो भी जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने टाइम नेस्टेड लूप भी चलेगा एक दफा, दफा ये चलेगा तो ये Uh, आपका पॉइंट भी वैलिड है कि हम बी गो ऑफ आई क्रॉस लिखते हैं, ठीक है और हम इसको अगर हम ये कहें कि जो भी अरे की लेंथ होगी उसे हम कहते हैं एन तो एन टाइम्स बाहर सेकेंड लूप भी, तो uh, भी चलेगा और फिर इसको जो है हम बी गो ऑफ एन स्क्वायर इसलिए हैं अब आप, आपकी बात की अगर एन एन जो है अगर हम बोल रहे हैं तो एन तो वेरी कर सकता है एंड टू नंबर ऑफ कॉलम्स टू भी हो सकते हैं राइट right? आप बिल्कुल ठीक है नहीं तो फिर बिग ऑफ एंड आई क्रॉस जे भी ठीक है और किसी को कंफ्यूजन सर्चिंग सर्चिंग टेक्निक पे किसी को कोई कंफ्यूजन

जो प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं ये बहुत सारे कंपनीज अपने इंटरव्यू में पूछती हैं ठीक है बहुत सारा ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है लेकिन ये काफी दफा आता है और वो ये है स्पाइरल मैट्रिक्स नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोगों ने जैसे देखा था हम लोग क्या कर रहे थे वन टू थ्री प्रिंट कर रहे थे उसके बाद फोर फाइव सिक्स प्रिंट कर रहे थे उसके बाद सेवन एट नाइन प्रिंट कर रहे थे ऐसा ही है ना पहली रो का, तक का लूप चलाते थे उसके सारे कॉलम्स प्रिंट थे फिर रो मूव करती थी नेक्स्ट और फिर उस नेक्स्ट रो का सारे कॉलम्स प्रिंट करा देते फिर रो मूव करती थी नेक्स्ट फिर उसके सारे कॉलम प्रिंट करा देते बट नाउ वी वॉन्ट के हमारे पास जो प्रिंट हो वो इस तरह हो कि पहली रो वन टू थ्री प्रिंट हो उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो जाए थ्री के बाद सिक्स नाइन उसके बाद एट प्रिंट हो, इसके बाद फोर फाइव बात समझ में आ रही है आपको क्लियर है ठीक है तो हम लोगों ने इसको इस तरह प्रिंट करवाना है अब ये देखें अगर हमारे पास ये पहली एग्जांपल है वन टू थ्री फोर एट ट्वेल्व इलेवन टेन नाइन फाइव सिक्स और सेवन अगर ये इससे भी बड़ा मैट्रिक्स होता तो फिर इसी तरह ये बहुत बड़ा भी मैट्रिक्स होगा तो बेसिकली क्या होगा जितना भी जितनी चाहे लेंथ हो हम लोग इस तरह उसको प्रिंट कराते जाए सॉरी जितना लेट से के हमारे पास ये बहुत बड़ा मैट्रिक्स है तो हम लोग जो है वो इस तरह मैट्रिक्स को प्रिंट कराएंगे आपको ये बात समझ आ रही है जो भी जितना भी बड़ा मैट्रिक्स हो तो वट डू यू से किस तरह प्रिंट होगा क्या करना चाहिए मैम इसी तरह से एरर के साथ ये करते चले जाएंगे उसको एंटर करते चले जाएंगे लिस्ट टू या एर वट इज इट दोबारा से बोलिएगा मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह से अभी ये देखे ना वन टू थ्री Then, uh, six, nine, eight, इस तरह से सारा जो बनती चला जा रहा है सर्कल सा बनता चला जा रहा है ये में तो इसी तरह से हमारे पास जितनी लंबी मर्जी एरे होगी इसी तरह से उसको बनाते चले जाएंगे जी बिल्कुल ऐसे ही ओके अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा ना वो ये है इनपुट मैट्रिक्स में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो जस्ट इमेजिन कि हमें पहले वन टू थ्री प्रिंट कराना है उसके बाद हमें सिक्स प्रिंट करवाना है उसके बाद हमें इसका ये नाइन प्रिंट कराना है उसके बाद हमें ये एट प्रिंट कराना है उसके बाद हम लोगों को सेवन कराना है फिर हम लोगों को ये फोर कराना है फिर फाइव कराना है जस्ट इमेजिन कि हम लोगों किस किस तरह काम करना है तो क्या ख्याल है आपका कैसे होगा मैम रिकर्सिव मेथड होगा इसके अंदर आई थिंक और रोज की लेंथ के बाद सारा जो टर्निंग पॉइंट है वो होगा रोस के बाद से फिर हम सारा उसमें ट्रेवर्सिंग करेंगे नीचे की तरफ से आई थिंक देखें रिकर्सिव में क्या होगा रिकर्सिव का मतलब है कि एक हम रिकर्सिव मेथड क्या काम करेगा बेसिकली कि वो प्रिंट करेगा वो चलता रहेगा ना मैम जब तक उसको आखिरी पॉइंट नहीं मिलेगा मतलब एंड पॉइंट नहीं मिलेगा जब तक प्रिंट करने के लिए जो चलता रहेगा वो तो हम लूप भी लगा सकते हैं जो रिकवर्सिव का मेथड होता है ना वो बेसिकली होता है कि हम कॉल करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है अब वो स्पेसिफिक फंक्शन क्या होगा वही मेरा क्वेश्चन है इसमें लूप से भी हो सकता है ये भी पार्ट ठीक है हम लोग करेंगे क्या बेसिकली हम लोगों को ना जिस तरह प्रिंट कराने वो ये है हम लोगों को पहले रो प्रिंट प्रिंट करानी है फिर हमें आप पहली रो पहले पहली रो प्रिंट कराएंगे फिर अपना आखिरी कॉलम प्रिंट कराएंगे फिर हम अपनी बिल्कुल लास्ट वाली रो प्रिंट कराएंगे और फिर हम अपना बिल्कुल पहले वाला कॉलम प्रिंट करवाएंगे तो सेंस बन रही है आपको अगर ये ये कॉलम ये मैं यहाँ पे एक और मैं बल्कि अभी टाइम भी खत्म होने वाला है आप यहाँ पे आए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे थ्रो तो, लास्ट वाला कॉलम लास्ट वाली रो प्रिंट कराएंगे और जीरो वाला कॉलम फिर आ, अंदर चले जाएंगे जीरो वाली रो सॉरी ये जीरो हो गई थी अपनी फर्स्ट वाली रो अगर इसके अंदर भी होता तो क्या होता ये फर्स्ट वाली रो फिर सेकंड से, से, लास्ट कॉलम ठीक है सेकंड लास्ट रो और फर्स्ट सेकंड कॉलम यस मैम इज इट मेकिंग सेंस टू यू नाउ यस मैम लेकिन मैम इसके अंदर नाइन तो के हम बाद क्या करेगा हम इसको करते हैं कल से जी जी बोले मैम कह रहा था जैसे यहाँ पे नाइन लिखा हुआ है

अच्छा आपकी आवाज बहुत ड्रॉप हो रही थी और एक्सप्लेन कर देगा शायद मेरी तरफ यस मैम मैम ये भाई पूछ रहे हैं कि मींस के जो फर्स्ट वाली फर्स्ट वाला कॉलम है उसके बाद हम किस तरह फाइव सिक्स सेवन पे पहुंचेंगे तो हम इस तरह कह सकते हैं जिस तरह हम जिस ऑर्डर में चल रहे हैं उसी ऑर्डर में एक एक मींस इंक्रीज करेगा लाइक like, फर्स्ट रो के बाद हमने जिस तरह कहा था कि लास्ट कॉलम होगा यानी के जी मैम हाँ हाँ आप सही कह रही हैं हाँ सही कह रही हैं अच्छा बेसिकली हम लोग ना एक पहले हम दो लूप लगा रहे थे अब हम लोग चार लूप लगाएंगे ठीक है जरूरी नहीं कि हम नेस्टेड लूप लगाएं लेकिन हम लोगों को फोर लूप्स लगाने की जरूरत है एक लूप जो है वो हमारी रोल प्रिंट करेगा पहली ठीक है उसके बाद नेक्स्ट लूप हमारा कॉलम प्रिंट करेगा उसके बाद नेक्स्ट वाला लूप हमारी लास्ट करेगा और उसके बाद नेक्स्ट वाला लूप हमारा फर्स्ट कॉलम प्रिंट जीरो कॉलम प्रिंट करेगा तो ये लूप अगर ये बार बार इसी तरह चलते रहे तो हमारा जो है वो अल्टीमेटली ये स्पाइरल मैट्रिक्स बन जाएगा आप समझ आई